अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आइए आज उर्दू का लेक्चर नंबर 14 शुरू करते हैं। आज हमने फर्स्ट टर्म के लास्ट लेसन की रीडिंग करनी है। आज का हमारे लेसन का टॉपिक है खुशगवार माहौल। रीडिंग शुरू करते हैं। मौसम सरमा सरमा यानी सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हमारे मुल्क के कुछ बड़े शहर और इनके करीबी देहात देहात गांव को कहते हैं धुंध की चादर में लिपटे दिखाई देते हैं। धुएं और धुंध के मिलाप से बनने वाली इस कैफियत को स्मोक कहा जाता है। ये धुंध इतनी गहरी होती है कि चंद कदम के फासले की भी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। इसकी वजह से ना सिर्फ चलना फिरना और गाड़ी चलाना दुश्वार हो जाता है, दुश्वार हाईलाइट करके मीनिंग लिखें मुश्किल, बल्कि इसके मुज़र नुकसानदेह असरात इंसानी आँखों गले और फेफड़ों पर भी होते हैं। आँखों की दुखन, सांस लेने में दुश्वारी और नज़ला खांसी की अहम वजह यही धुंध होती है। हत्ता के स्मोक जो है वो सरतान यानी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का सबब भी बन जाती है। सबब वजह स्मोक धुंध और धुएं से मिलकर बनती है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता मुजर धुआं जब धुंध में शामिल हो जाता है तो मिलकर स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके अलावा कचरा यानी कूड़ा जलाने से उठने वाला धुआं भी स्मोक की वजह बन सकता है। आज की रीडिंग यहीं तक हम करेंगे। सफ़ा नंबर 40 की हमने पढ़ाई की है, इसी से रिलेटेड हम इसके आंसर क्वेश्चन देखेंगे और इमला के अल्फाज नोट्स से देखें। इमला के अल्फाज कारखाने, धुन, फासले, ज़ाया, सेहत, माहौल, मुजर, धुआं, कचरा, कुदरत, महफूज, सफाई। ठीक है, पूरे लेसन की आपने इमला के अल्फाज जो हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से और अपने रजिस्टर पे लिख लेने हैं। उसके बाद सवाल जवाब देखें। स्मोक किसे कहते हैं? धुएं और धुन के मिलाप से बनने वाली कैफियत को स्मोक कहा जाता है। स्मोक से क्या मसाइल पैदा होते हैं? स्मोक की वजह से कोई चीज़ चंद कदम के फासले से दिखाई नहीं देती, इसकी वजह से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। स्मोक से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? आंखों की दुखन, सांस लेने में दुश्वारी, नज़ला और खांसी और कैंसर जैसी बीमारियां फैलती हैं। यहाँ आज की डेट लगाएं, हम सिर्फ तीन ही सवाल जवाब आज करेंगे। इसके बाद आज हमने एराब करने हैं। अपने नोट से ये एराब वाला पेज खोलें और वर्ड्स देखें। सबसे पहला लफ्ज़ है दरख्त, ठीक है, फिर शुक्र, फलक, ऊंचा, कमज़ोर, खलीफा, बचपन, मज़हब, सनद, गुलशन। ये पहले एराब के 10 अल्फाज हैं जो आपने अच्छे से याद करके इनकी प्रैक्टिस करके फिर अपने रजिस्टर पे ज़ुबानी लिखने हैं। उसके बाद आए हमने गिनती शुरू की थी उर्दू गिनती, उसको भी आगे थोड़ा सा देखें। हमने कल 50 तक गिनती की थी, आज हम 51 से शुरू करेंगे। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। यहाँ आज की डेट लगाएं। उर्दू गिनती के अगले ये 20 अदाद 20 लफ्ज आपने अच्छे से याद करके ये भी अपने रजिस्टर पे लिखने हैं, ठीक है? चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।